हेलो गाइस, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक विकास। तो दरअसल कुछ दिनों पहले एक फाइल को नाम की एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी और आप सभी ने कुछ कुछ दोस्तों ने यहाँ पर फाइल को बहुत सारे को ऊपर इस्तेमाल भी कर लिया है। तो दरअसल कुछ जो दोस्त हैं वहाँ पर ये एप्लीकेशन जो है इस्तेमाल नहीं करवा रहा। दरअसल ये प्रॉब्लम हो ये रहा है कि यहाँ पर जैसे ही आप अकाउंट बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने दूसरा अकाउंट बनाया था, जैसे एक अकाउंट को लिंक करके दूसरा अकाउंट लिंक करते हैं इसमें, दरअसल ये ऑफर उन्हीं लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वही आईडी से, यानी नया आइडिया आपको होना चाहिए, यानी यदि आपका पुराना आईडी है तो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो करना है, आपको अपना एक नया आईडी बनाना पड़ेगा और वही आईडी जो है जीमेल आईडी आपको गूगल पे में भी होना चाहिए। तो जैसा देखिए ये ऑफर को दोबारा से मैंने अवेल करने के लिए एक नया अकाउंट आईडी बनाया था, देख सकते हैं ये आईडी पे पहले मैंने दूसरा आईडी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा मेरे चैनल के, वो आईडी से मैंने इस ऑफर को अवेल किया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे कि यहाँ पर अगर वही आईडी में दोबारा से ऐड करना चाहता हूँ, जैसे अनलिंक कर दिया फिर से दोबारा से अगर वही आईडी में ऐड करना चाहता हूँ, जैसे देखिए जैसे ये आईडी से मैंने देखिए टेक विकास नाम का आईडी से मैंने जो पिछले बार क्लेम किया था 10 कूपन और 350 के लगभग अर्न किया, इसको अगर मैं देखिए करता हूँ तो ये देखिए टेक विकास वाला आईडी ये लेगा ही नहीं। तो ये क्या बोल रहा है, ये योर अकाउंट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दिस रिवॉर्ड। दरअसल ये ऑफर जो है नया आईडी में मिलेगा, इसीलिए देखिए होता ये प्रॉब्लम कि नया आईडी ऐड नहीं हो पाता है। अगर इनकेस आप नया आईडी बना भी लेते हैं गूगल पे की, नया आईडी बनाते हैं जीमेल में, तो वो आईडी को कैसे आप गूगल पे में ऐड करेंगे? जनरली आपको करना क्या है, मोबाइल अपने गूगल पे की आईडी को डीएक्टिवेट कर देना है। जैसे कि मैं पुराना दोबारा से अपना पुराना आईडी एक्टिवेट कर लेता हूँ, यहाँ पर जो मेरा नया आईडी है उसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर जैसे ऐड करता हूँ, अगर सेंड यहाँ पर देखिए व्यू रिवार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, व्यू रिवार्ड का ऑप्शन मिलते ही देखिए यहाँ पर आप आसानी से सेंड रिसीव करके कमा सकते हैं। तो जैसे ये जो मुझे कूपन मिलेगा, जैसे यहाँ पर क्लेमिंग क्लेम करने वाला ऑप्शन मिलेगा, वही जीमेल में मिलेगा जो जीमेल अकाउंट मेरा लिंक्ड है गूगल पे के अकाउंट से। तो देखिए देखिए दरअसल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मेरा वो वाला जीमेल अकाउंट इस मेरा जो है ये गूगल पे से एडेड है, देख सकते हैं ऊपर में। तो देखिए अगर बहुत जनों का है कि आपने आईडी बना लिया है मगर जो आपका गूगल पे में पुराना आईडी एक्टिवेटेड है, तो देखिए आप कैसे आसानी से वो वाला आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सिंपली आप क्या करें, अपने सेटिंग मोबाइल की सेटिंग में जाएँ, मोबाइल के सेटिंग में जाते ही आप देख सकते हैं वहाँ पर ऐप्स में जाकर आपको क्या करना है, मोबाइल में जाते ही उस एप्लीकेशन को खोल लें, गूगल पे को खोलते हैं। गूगल पे को खोलते ही आप क्या करना है, आपको जो है एप्लीकेशन के सारे डाटा को क्लियर कर देना। डाटा को जैसे ही आप क्लियर करेंगे, क्लियर करते ही देखिए आपको क्या होगा, एक नया गूगल पे वाला इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, अपना नंबर डाल देना है। तो देखिए यहाँ पर नया नंबर अपना जो है गूगल पे वाला नंबर डालते ही देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर देखते हैं नीचे साइड में, यहाँ पर देखिए एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, गूगल जो आपका जो आईडी जो नया जनरेट किए थे उसको आपको चेंज गूगल अअकाउंट में जाकर, जैसे मेरा ये वाला है सबसे नीचे वाला, तो उसको हम ऐड कर देते हैं, बस नेक्स्ट कर देना। और सिंपली आपका जो है जितना भी है ऑफर यहाँ पर देख सकते हैं, जो गूगल फाइल को हमें क्लेम कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि मैंने 7 कर लिया है और 3 अभी भी कर सकते हैं, और जल्दी ऑफर का लाभ उठाएँ। तब तक के लिए जल्दी दिवाली आने वाला है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।